हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम। गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून वेलकम टू दिस गुड आफ्टरनून सर। पर सर, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। वी विल बी स्टार्टिंग आर वेबिनार इन शॉर्ट स्पार ऑफ टाइम। सो इट्स इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टू हैव आर ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा सर, ज्वाइंट एंड ब्लेस्ड दिस वेबिनार। वी हैव डॉक्टर अनिल करवंदे सर, ऑल फैकल्टीज ऑफ स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस, फैकल्टीज ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस एंड स्टूडेंट्स। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस चीज के स्वप्न दृष्टा जिनका जन्मदिन अभी ही एक दिन पहले लोह पुरुष भारत रत्न श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक ही दिन पहले गया, जिसका बहुत ही जोरों शोरों से सेलिब्रेशन भी हुआ। एक विभिन्न प्रकार से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जगह पे सशस्त्र सीमा बल और दूसरे डिफेंस के दल ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर के द्वारा यह एक सप्ताह की सेलिब्रेशन में इस टॉपिक को चुन के एक ऐसे एक्सपर्ट स्पीकर को यूनिवर्सिटी के अभिमुख कराया है, उसके लिए डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा सर से बहुत धन्यवाद प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी की ओर से। ये एक संयोग मात्र है कि सर जो 2 डिकेड एक्टिव स्पोर्ट्स में निकालने के बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूट के क्राफ्टिंग में जुड़े और आज वही इंस्टीट्यूशनल क्राफ्टिंग के साथ इंस्टीट्यूट के हर एक विद्यार्थी में देश भावना, राष्ट्रीयता, एकता, ये सब भी जुड़े और इससे एक सामर्थ्य नागरिक बने, ना सिर्फ स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के एक्सपर्ट बट एक सामर्थ्य नागरिक आज का ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बने, ये भावना सर के दिल, दिमाग और आचरण में है। कहीं इसी का ही हमें हर हमेश फल स्वरूप मिलता रहता है कि विभिन्न प्रकार के वेबिनार, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स वगैरह में यूनिवर्सिटी के प्रतिभागी, यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनाइजेशन रहता है। यही चीजों के साथ मैं हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर को आमंत्रित करूंगा कि आज के एक्सपर्ट असिस्टेंट प्रोफेसर श्री रविंद्र सिंह राजपुरोहित, आज के विषय तज्ञ, बड़े गुणी और यूनिवर्सिटी का अहोभाग्य जो माना जाए ऐसे डॉक्टर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर अनिल करवंदे साहब की उपलब्धियां और उनके प्रोफाइल से जितने लोग जुड़े हैं उनको अभिमुख कराए। थैंक यू सर। नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। ऑन द बिहाफ ऑफ आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा सर एंड द एंटायर टीम ऑफ एसजीएसयू, आई वेलकम आवर टुडेज एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर अनिल करवंद सर इन एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र एक भारत श्रेष्ठ भारत वेबिनार अबाउट सर। सर डन हिज बीपी एमपी फ्रॉम प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एलएनसीपी ग्वालियर। थ्रू आउट हिज एजुकेशन ही बिकम मेरिट स्कॉलर स्टूडेंट एंड गोल्ड मेडलिस्ट इन मास्टर्स क्लास। He done his diploma in sports medicine
एंड डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी. ही इज ए रियल जैम ऑफ फिजिकल एजुकेशन. अलॉन्ग विद दैट ही इज मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एलएनआईपी ग्वालियर, ऑल्सो वर्किंग एज ए मेंबर ऑफ एकेडमिक काउंसिल एलएनआईपी ग्वालियर. ही इज फॉर्मर प्रिंसिपल ईश्वर देशमुख कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन नागपुर. And more than 25 research scholars have crafted by sir. He is conducting training classes, NAT classes, and SAT classes from last 3 decades. He is working in this field, which is time. And so many students crafted by Anil Karvinder sir. Sir is an expert with proficiency in various sports discipline like athletic, badminton, and so many other games. Sir, we are very fortunate that we have today with your expertise, and we truly believe that you will give best things to our all of the students and all the members, those who are presenting or those who are attending this webinar. With this, I welcome you once again, sir, on the behalf of Swarna Gujarat Sports Institute. Please, sir. Thank you. सबसे पहले मैं प्रोफेसर राणा वाइस चांसलर स्वर्ण गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मेरा जो अनुभव है, मेरे जो विचार हैं, आपके प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स और फैकल्टी मेंबर के साथ मुझे शेयर करना है. जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे कुछ स्लाइड्स हैं वो शेयर करना चाहे, उसके लिए संगीता करे मैडम को को होस्ट बना दिया जाए. वो मेरे साथ में है, मेरी कोऑर्डिनेटर है नेट जेआरएफ गुरुकुल की, शी इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर. सो आई रिक्वेस्ट Please make her co-host so that she can display the slides. Yes, sir. Good afternoon, Rana, sir. Good afternoon. Namaskar. Yes, sir. Sir, I have joined by name of Sangeeta Khare. Yes. हो गए, मैंने वहां बन गए को. No, 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 sir. No. I think it is in process. Yeah. जो आज का विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसमें आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जैसे हम बात करते हैं कि जो भारत है, हमारा देश है, ये कई प्रदेशों से मिलकर बना है. बहुत सारी संस्कृतियां, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे स्पोर्ट्स, बहुत सारी भाषाएं, विभिन्न प्रकार के भोजन और बहुत सारे संत. अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामी संत हुए हैं, बहुत सारे योद्धा हुए हैं, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा वो हुए हैं. हमारा इतिहास भी वीरों से भरा हुआ है. और महाराष्ट्र में अगर सबसे बड़ा नाम हम जो लेते हैं वो महाराष्ट्र शिवाजी का लेते हैं, और राणा सर के साइड में भी महाराष्ट्र शिवाजी की फोटो रखी हुई मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है लेफ्ट हैंड पर. और मैं आपको एक छोटा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा जब एलएनआईपी में एडमिशन हुआ तो मुझे शिवाजी हाउस अलॉट हुआ. तो मेरा एजुकेशन जो है शिवाजी हाउस में हुआ, और जब मैं नागपुर आया तो मैं शिवाजी नगर में रह रहा हूँ 40 साल से. So directly or indirectly, I am part and parcel of the name, great king of Maharashtra and great king of India, that is Shivaji Maharaj. और वो हमारे पूजनीय इसलिए हैं कि अगर हम ऐसी बात करें कि हमारा जो सम्मान दिलाने में जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो बिता दिया, और हम लोग जब छोटे थे तो हम उनको एक केवल राजा की दृष्टि से देखते थे, जो इतिहास की किताबों में हमने उस समय पढ़ा, जो कि काफी सीमित था. जैसा कि अभी सभी को मालूम है कि हमारा जो इतिहास है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें सीमित लोगों की सीमित बातें बताई गई. कई बातें असीमित हैं जिनका अभी प्रदर्शन होना या जिनका बच्चों तक पहुंचना बाकी है. उसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है कि जो सच्ची चीजें जो है बच्चों तक, स्कूल के बच्चों तक, कॉलेज के विद्यार्थियों तक, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों तक पहुंचे. तो उसमें ये जानकर आपको सभी को खुशी होगी, वैसे आपको उनका इतिहास पता होगा कि ही वॉज नॉट ओनली ए फाइटर. मतलब हम उनको केवल फाइटर के दृष्टिकोण से न देखते हुए हम उनको एक एडमिनिस्ट्रेटर की दृष्टि से देखें, हमको एक उनको एक प्रशासक की दृष्टि से देखें, हम उनको एक
एजुकेशन देने वाले व्यक्ति की दृष्टि से देखें, हम उनको एक, जैसे हम स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हमने देखना चाहिए शिवाजी, महाराज शिवाजी का मैनेजमेंट किस प्रकार का था। मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते उस सोच से कई गुना लंबी ऊंची सोच उन्होंने रखी थी, और समाज का, राज्य का या देश का ऐसा कोई सा भी एरिया नहीं था जिसको उन्होंने छोड़ा ना हो, जिसपे उन्होंने विचार ना किया हो, जिस पे उन्होंने लॉजिक ना लगाया। अगर हम सभी लोग यहाँ फिजिकल एजुकेशन के हैं और हम ये मान के चलते हैं कि एंथ्रोपोमेट्री इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अगर हम एंथ्रोपोमेट्री की बात करते हैं, हम मेजरमेंट इवैल्यूएशन में एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट की बात करते हैं, तो हमने तो जब बीपी और एमपी में जब आए तब हमने वो एंथ्रोपोमेट्री शब्द सुना, लेकिन अगर हम इतिहास को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें और ध्यान से अगर विचार करें उस बात पर, तो अफजल खां का जब वध हुआ तब महाराज शिवाजी ने एंथ्रोपोमेट्री का इस्तेमाल किया। कैसे किया? उन्होंने ये लॉजिकली प्लान बनाने के लिए किया कि उसकी ऊंचाई कितनी है, उसके कंधे कितने चौड़े हैं, उसकी छाती कितनी चौड़ी है, उसके पेट का घेरा कितना है, उसके छाती का घेरा कितना है, ये सारे एंथ्रोपोमेट्रिक कैलकुलेशन को ध्यान में रखकर उन्होंने वो प्लान किया था। तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े राजा जिसकी कितनी लंबी और दूरदृष्टि है साइंस की दृष्टि से भी। ये तो मैं एक आपको फिजिकल एजुकेशन वाली बात बता रहा हूं। दूसरा, जो उन्होंने अपनी सेना प्रिपेयर की, आज हम स्पोर्ट्स में, ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, सारे खेलों में हम आज जिस फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, तो आप सोचो उनकी जो सैनिक थे, जो मावड़े कहलाते थे, वो किस हद तक फिट होंगे। मतलब जो हम आज बात करते हैं कि एंड्योरेंस होना चाहिए और स्पीड होना चाहिए और एजिलिटी होना चाहिए, लेकिन आज हम शोल्डर स्ट्रेंथ भूल गए हैं। आज शहरों में हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं हमारे जो यंग बच्चे हैं, जो यंग कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनकी शोल्डर स्ट्रेंथ और चेस्ट एक्सपेंशन ये कम होते जा रहा है, क्योंकि हम शोल्डर का उपयोग नहीं करते, हम अभी सेंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिमोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले इलेक्ट्रिक बटन होते थे, ऊपर होते थे, तो हम हाथ उठाकर इलेक्ट्रिक के बटन को ऑन करते थे, अभी हम टीवी भी रिमोट से चालू करते हैं। तो आप सोचो हम अपने शोल्डर का कितना इस्तेमाल करते हैं। उस समय किला जीतने के लिए उनके सैनिकों ने रस्सी के बल पर कई मीटर या कई गज, उस समय हम गज में बात करते थे, फुट में बात करते थे, ऊपर चढ़कर हमला किया, युद्ध जीते और वापस भी आए। और उनके जो अस्त्र थे, वो जो उठाते थे, उसमें कितनी ताकत उनको लगती होगी, इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष महाराष्ट्र दर्शन, मतलब हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो स्पोर्ट्स की संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो खाने का तरीका है, हमारा जो रहने का तरीका है ना, उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं स्पेशली शिवाजी महाराज का आपका दर्शन आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मैंने उनके वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है, वाटर मैनेजमेंट के बारे में देखा है। कि आप सोचो आज जब हम वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो उस समय उन्होंने वाटर मैनेजमेंट इतना अच्छा करके रखा है, उस समय नेवी के बारे में उन्होंने कितनी दूर की सोच रखी है, उस समय उन्होंने थल सेना के बारे में तो सोचा ही, लेकिन नेवी के बारे में भी सोचना एक राजा के लिए काफी कठिन होता था। और उसके एक्सपर्टीज उनके पास जो है वो अवेलेबल थे, किस प्रकार से जहाज पानी का बनाना, इस बारे में भी सोच उनकी एक्सपर्ट थी। और जब वो वहां से किले से जब भागे थे, वहां से निकल के छूट के भागे थे, तो उनकी प्लानिंग किस प्रकार की थी, आप इससे अंदाजा लगाओ कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी मैनेजमेंट, उनकी लॉजिकल प्लानिंग कितने दूरदृष्टि। तो आज मैं आपके सामने थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारा जो महाराष्ट्र प्रदेश है, इसका कल्चर कैसा है। हम वैसे तो जितने फिजिकल एजुकेशन के लोग आप सुन रहे होंगे, उसमें से सभी लोग महाराष्ट्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हो, क्योंकि 1920 में जो HVPM स्टैब्लिश हुआ, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, तो वहां से जो खेल की संस्कृति का आदान प्रदान पूरे देश भर में हुआ है, भारत के, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, या आसाम हो, मेघालय हो, अरुणाचल प्रदेश हो, और उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब में, सब जगह जो हमारे खेल की संस्कृति है, जो स्पेशली
जो महाराष्ट्र के कल्चर पर आधारित है, स्पेशली जो जो भारतीय कल्चर पर आधारित है, वो संस्कृति का विकास, प्रचार और उत्थान हुआ है, और उन सब में हम सभी लोग सहभागी हैं। स्पेशली अगर हम शारीरिक शिक्षा की बात करें और अगर हम कहें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो भारत को एक बनाने में खेल और शारीरिक शिक्षा, इसका अपना एक योगदान है। क्योंकि आज हम राणा सर की बात करते हैं और राणा सर मुझे जानते हैं तो काहे के लिए जानते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड इट इज बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन नेम्ड एज हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ अमरावती यूनिवर्सिटी सम टाइम बैक एंड आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ अमरावती यूनिवर्सिटी सम टाइम बैक। Now he is part of so many sports universities of India. I am also part of so many universities of India. आप लोग भी आगे चलकर जो खेल की, physical education की जो संस्कृति है, उसका विकास करोगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हम पूरे इंडियन कल्चर की बात करते हैं, देश को श्रेष्ठता की तरफ ले जाने की बात करते हैं, तो हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी स्पोर्ट्स, हमारी जिम्मेदारी फिटनेस, हमारी जिम्मेदारी समाज की जो स्वास्थ्य है उसकी तरफ ध्यान रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस तरीके से हम हमारा जो देश है उसको श्रेष्ठता की तरफ ले जाएंगे। अलग अलग जो राज्य हैं हमारे, अलग अलग जो प्रदेश हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। सबका फिटनेस करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, जो एक्टिविटियां हैं वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। अगर सॉरी टू इंटरप्ट, अभी तक हुआ नहीं है, एक्टिव नहीं है टू प्रेजेंट द स्क्रीन। राणा सर, आई रिक्वेस्ट प्लीज, आप ऑर्गेनाइजर से बोलिएगा अगर वो मुझे परमिशन देते हैं। पोस्ट बनाएंगे तो शी कैन प्ले सम। श्योरली श्योरली, या तो हम लोग फिजिकल एजुकेशन में लेजिम की बात करते हैं। सो अगर हम गुजरात की बात करें, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो लेजिम इज एन एक्टिविटी विच इज क्वाइट पॉपुलर इन महाराष्ट्र आल्सो, इन गुजरात आल्सो, एंड हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति का एक मेन हिस्सा है। जो फिजिकल एजुकेशन की, जो हम भले कितनी मॉडर्न टेक्निक की बात करें, मॉडर्न मशीन की बात करें, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी विच नॉट ओनली इंक्रीज योर एजिलिटी, योर कोऑर्डिनेशन, बट लॉट ऑफ एंड्योरेंस आल्सो। क्योंकि जो महाराज शिवाजी के जो सैनिक थे, ये उनकी एक्टिविटी का भी एक हिस्सा था। सो लेट अस कम टू द एक्चुअल प्रेजेंटेशन। आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द कल्चर ऑफ महाराष्ट्र, स्पोर्ट्स कल्चर ऑफ महाराष्ट्र। बिफोर आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन, सिंस वी ऑल बिलोंग टू ए स्पोर्ट्स कल्चर, ए कल्चर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, I will take the first name from the field of sports, Khasava Jadhav, who brought the first medal. Karvanji sir, please confirm it is visible. Yes, yes, it is there. Okay, it is okay. Visible now. It is visible. Yeah. So he is the first person from Maharashtra, from India, who took part in Olympic and got the medal. So वो हमारे लिए श्रद्धेय है, हमारे लिए ये आदर की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि महाराष्ट्र के जो खासकर रेसलिंग का कल्चर है, जिसकी हम बात करते हैं, कुश्ती का कल्चर बहुत महाराष्ट्र में। आप लोगों ने महाराष्ट्र केसरी के बारे में सुना होगा, हिंद केसरी के बारे में भी आप सुना होगा। कोल्हापुर एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक प्लेस है, यहाँ पर की भारत के सभी पहलवान, चाहे वो इंटरनेशनल भी रेसलर हो, वो भी कोल्हापुर में आके रेसलिंग का प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारे, अगर हम शारीरिक शिक्षा के और स्पोर्ट्स की संस्कृति की बात करें, उसके कल्चर की बात करें, तो कोल्हापुर इज ए प्राइम प्लेस फॉर रेसलर्स। जो भी रेसलर होगा वो कोल्हापुर का जरूर जानेगा, कोल्हापुर में जरूर जाएगा, वहां जरूर प्रैक्टिस करेगा। और हम जब फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, तो एक चीज और हम थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, खासकर जो रेसलिंग वाले हैं उनके लिए मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, अगर हम विदर्भ की बात करते हैं, स्पेशली हमारा नागपुर के पास चंद्रपुर और ये जो एरिया है, इट इज वेरी हॉट। और जब समय होता है, बच्चों को समर वेकेशन होता है, उस समय वो लोग रेसलिंग की प्रैक्टिस, मैं राणा सर के निर्देशन में लाना जरूर चाहूंगा कि वो लोग रेसलिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि रेसलिंग में जो स्किल लगती है, वो स्वेटिंग इतना ज्यादा होता है वहां पर कि वो उसकी पकड़ उनकी नहीं सीख पाते, वो ग्रिप उनकी नहीं सीख पाते। तो वहां के कुछ रेसलर थे, वो मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि सर हमारे पास बहुत टैलेंट है रेसलिंग में,
बहुत सारा टैलेंट रेसलिंग में है, लेकिन सर हम लोग वो ग्रिप नहीं कर पाते, उसकी प्रैक्टिस ही हम नहीं कर पाते। तो हमारे लिए कहीं ऐसी व्यवस्था करवाई जाए जो कि हम ठंडे इलाके में जहां पर कि ज्यादा स्वेटिंग ना हो वहां पर जाके हम प्रैक्टिस कर पाए। तो शायद इस एरिया के जो टैलेंट है, इस एरिया में जो आदिवासी टैलेंट है, वो बच्चे जरूर आगे जाकर देश के लिए जो है वो करें। तो लेट अस कम टू द मेन प्रेजेंटेशन। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम एम्स टू एनहांस इंटरेक्शन टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स थ्रू द कंसेप्ट ऑफ स्टेट पेयरिंग। सो दिस इज द मेजर कंसेप्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। The rich heritage and culture, custom and traditions of either state for enabling people to understand and appreciate the diversity that is India, thus fostering a sense of common identity. Next slide, please. So here I am. Yes, Ek Bharat Shreshth Bharat program, as announced before also, was launched by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi on 31st October 2015 during the Rashtriya Ekta Divas to promote engagement among the people of states of union territories in the country in order to enhance mutual understanding and bonding between people of the country. I will share some important facts regarding the Maharashtra so that all those who are attending the webinar can know some more information. I can share some more information. It is basically the Maharashtra is divided into different region called Kokan region, Pune region, Nagpur region where I resides, Nashik region which is very popular for angurs, Aurangabad region and Amravati region. Amravati region, especially if we talk of physical education, it is quite popular. We know अगर हम फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की दृष्टि से देखें तो वी शुड नो द कंट्रीब्यूशन ऑफ वैद्य ब्रदर्स एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ एचपीपीएम अमरावती इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। प्रेजेंटली दे हैव ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, वेरी पॉपुलर इंस्टीट्यूट विच हैज प्रोड्यूस्ड थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ फिजिकल एजुकेशन वर्किंग इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट, वेरियस विलेजेस, वेरियस कॉलेजेस एंड वेरियस यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। So you can just see we have got different reasons, and if we talk of in prospect with physical education, agar hum physical education ki drishti se baat kare to Amravati becomes a prime location as far as physical education is there. They have got two physical education important colleges. One is HVPM, the other college is run by Shivaji Education Society Amravati. And Amaravati University itself has got a department of physical education where they have got BPE, BPED, MPED. They are running the department. They have got a separate director in university, Amaravati University, that presently known as Sant Gadge Baba Amaravati University. And I will explain Sant Gadge Baba is known as Sant जिनका जो जीवन है वो सफाई के अभियान में गया, स्वच्छता के अभियान में गया। जो भारत में अभी अभियान चल रहा है स्वच्छता अभियान, तो संत गाड़गे बाबा के नाम से काफी इंस्टीट्यूट अमरावती यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हैं। द अदर इंपॉर्टेंट रीजन, इफ वी टॉक ऑफ द सेकंड रीजन, दैट इज नागपुर रीजन। नागपुर रीजन ऑल्सो हैज गॉट यूनिवर्सिटी नोन एज RTM, राज संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। नागपुर जो संत है तुकड़ोजी महाराज, उनके नाम से जो है वो नागपुर यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो रखा गया है, और उनका भी योगदान जो है वो समाज कल्याण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए है, और उनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स जो है यहाँ पर है। नागपुर यूनिवर्सिटी हैव गॉट इट्स ओन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हेडिंग बाई प्रोफेसर शरद सूर्यवंशी, and he is the present director of physical education. We have got two Grantinet college in Nagpur city, and if we go to Pune itself also has got department of physical education and university, and it has got Chandrasekhar Agashe college of physical education, a very well known college at Pune. Agar hum Mumbai ki baat kare to Mumbai also has got university department of physical education. They have got college at Wadala,
And another granted college of physical education is at Yavatmal. That also comes under the Amaravati University. One more college that is in, situated at Aurangabad region. They have got a college of physical education. Aurangabad University also has got department. So like that, if we describe, you can just see important cities, Akola, Yavatmal, Amravati, Nagpur, Pune, Solapur, Sangli, Thane, Dhule. These are all important. Mumbai, you know, it is a capital for business. Hamari jo business ka main center hai. Then if we talk of Wardha, Wardha becomes an important historical place as far as the जिसको कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के जो मूवमेंट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वर्धा हैज गॉट एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. वहां पर महात्मा गांधी का आश्रम है, वहां पर पवनार है, पवनार करके जगह है जहां पर दूसरा आश्रम वहां पर मौजूद है. तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं महाराष्ट्र को, अगर हम रीजन वाइज देखें, कोकण अपने दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पूना अपने दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है. पूना हैज गॉट एन इम्पॉर्टेंट स्टेडियम दैट इज नोन एज बालेवाड़ी, क्रीड़ा प्रबोधनी का सेंटर है. और अगर हम फिजिकल एजुकेशन की दृष्टि, स्पोर्ट्स की दृष्टि देखें तो बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, वहां पर खिलाड़ियों को रुकने की व्यवस्था है. नेशनल गेम्स वहां पर पहले जो वो हो चुके हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यू कैन जस्ट सी महाराजा शिवाजी महाराज, यू कैन सी द लुक, the pictures of different regions of Maharashtra. Next slide please. Now if we talk of Maharashtra, Maharashtra is the third largest state of India. It is long history of Marathi sands. I was telling about ki hamari jo vidarbh ki bhumi, hamari jo maharashtra ki bhumi, wo santo ki bhumi kehlati hai. And Marathi sands of Warkari religious movement, that movement is known as Warkari religious movement. The famous saints, बहुत सारे संत हैं, मैं कुछ मुख्य जो लोग हैं, मुख्य संत हैं, उनका नाम लूंगा. संत ज्ञानेश्वर है ना, संत नामदेव चोखा मेला, संत एकनाथ तुकाराम, which forms the one of the basis of culture of Maharashtra, of Marathi culture. Maharashtra has huge influence over India under 17th century, King Chhatrapati Shivaji Maharaj, the Maratha Empire. I told you about him. I have given some introduction about him. I will be speaking some more about him. His concept of Hindu Samrajya, which translates the self-rule of people. The state of Maharashtra spans multiple culture and which includes culture related to Hindu, Muslim, Buddhist, Sikh, Christians, Lord Ganesha, Maruti, Mahadev in the form of Shivalinga, Khandoba. We can just see Lord Vitthal. Pandharpur is very famous for Vitthal. Log wahan jaate hain har saal, Warkari samudaya wale log wahan jaate hain, bahut sari yatraen jaati hain. Lakho jo bhavik hain, lakho jo श्रद्धालु है वहां की यात्रा हर साल करते हैं. महाराष्ट्र इज डिवाइडेड इनटू वेरियस रीजंस एज आई हैव टोल्ड यू, सच एज मराठवाड़ा रीजन. वन रीजन इज कॉल्ड एज मराठवाड़ा, अदर विदर्भा वेयर नागपुर इज सिचुएटेड, खानदेश एंड कोकण. ईच हैज इट्स ओन कल्चर आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट मराठी लैंग्वेज, फोक डांस, फूड एंड आई विल एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. This I have already spoken about the sons. Next slide. Next. Next. Yes. These are the important names. We can just read Gyaneshwar Maharaj, जिन्होंने की बहुत कम उम्र में जो है वो समाधि ले ली. अगर हम गीता की बात करते हैं तो यहाँ ज्ञानेश्वरी जो अपन कह सकते हैं कि उनके द्वारा प्रोड्यूस ज्ञानेश्वरी, उसका लोग जो है वो यहाँ पर अध्ययन करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, उसकी फिलॉसफी की बात होती है, लोग उसको
एक बहुत इम्पोर्टेंट कहेंगे कि ग्रंथ मानकर उसकी उपासना करते हैं, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत गोरा कुंभार, संत रोहिदास, समर्थ रामदास स्वामी जिनका रिलेशन माने जिनके जमाने में महाराज शिवाजी हुए, महाराज शिवाजी ने समर्थ रामदास स्वामी से बहुत सारी चीजें सीखी, संत नरहरि सोनार चोखा मेला है ना, सत्वमाली भक्त गोमाबाई, नेक्स्ट संत बंका महार, संत बागू, दीज आर दी नेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स फॉर एज वी टॉक अबाउट दी सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, नेक्स्ट जिनके बारे में अभी बता रहा था, संत ज्ञानेश्वर, जो हिंदी भाषी हैं और जो मराठी भाषी है उनका मैं अंतर बता दूं, यहाँ प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, हम हिंदी में ज्ञान बोलते हैं, मराठी में ज्ञान बोलते हैं, तो वो ज्ञानेश्वर महाराज, इफ आई स्पीक इन मराठी आई विल से ज्ञानेश्वर महाराज, इफ आई स्पीक इन हिंदी आई विल से ज्ञानेश्वर महाराज, सो ज्ञान और ज्ञान ये मुख्य अंतर है, अगर आपको पता लगे कि ये महाराज मराठी में बोल रहा है या हिंदी में बोल रहा है या किसी और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, तो संत ज्ञानेश्वर हु वॉज पॉपुलरली कॉल्ड जनंदेव बिलोंग टू दी 13th सेंचुरी, ही वॉज ए फिलोसोफर पोएट एंड योगी बिलोंगिंग टू नाथ ट्रेडिशन, तो नाथ संप्रदाय के भी संत, नाथ संप्रदाय के लोग भी यहाँ पर जो हुए, अब हम नाथ संप्रदाय का हमारा फिजिकल एजुकेशन का क्या संबंध है, शारीरिक शिक्षा का क्या संबंध, तो वी आर लर्निंग ए पार्ट ऑफ योग, वी हैव गॉट योग इन अवर सिलेबस एंड योग हैज बिकम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ स्पेशली आफ्टर कोरोना, दो इट वॉज ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट बट नाउ इट हैज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, सम ऑफ हिज राइटिंग जो है हम जो मेन बात करते हैं भगवत गीता स्टोरीज ऑल्सो नोन एज ज्ञानेश्वरी आर द लिटरली मास्टर पीस इन मराठी लिटरेचर एंड आई एम गिविंग मोर एम्फेसिस ऑन ज्ञानेश्वरी बिकॉज अगर हम योग की बात करते हैं और हम और डिटेल में योग की बात करते हैं, अगर हम अष्टांग योग की भी बात करते हैं, स्वामी पतंजलि गुरु पतंजलि की भी बात करते हैं, तो ज्ञानेश्वरी में भी वो सूत्र दिए हुए हैं जो आपको समाधि की ओर किस तरीके से जाना या कुंडलिनी किस तरीके से जागृत करना इसका गूढ़ अर्थ जो है वो ज्ञानेश्वरी के अंदर समाया हुआ है, तो ये जिसको हम मराठी में ज्ञानेश्वरी और हिंदी में ज्ञानेश्वरी कहते हैं का पाठ करना या उसको समझने की कोशिश करना एज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन, नेक्स्ट संत तुकाराम बिलोंग टू वारकरी, वारकरी कल्ट है ना, वॉज पॉपुलर पोएट ऑफ भक्ति, अगर हम योग में भी बात करते हैं भक्ति योग की, सो ही बिलोंग्स टू भक्ति योग, उनकी जो साधना थी वो भक्ति के द्वारा ही, पॉपुलरली कॉल्ड संत तुकाराम, तुकाराम वाज एर्डेंट डिवोटी ऑफ विठोबा या विठला विच इज बिलीव टू बी एन इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, नेक्स्ट नाम संत नामदेव एज ही इज पॉपुलरली कॉल्ड बिलोंग टू वारकरी सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, ही वाज ए रिलीजियस पोएट एंड इज बीइंग रिस्पेक्टेड बाय द फॉलोअर्स ऑफ सिख रिलीजन आल्सो, नेक्स्ट संत जनाबाई वाज फेमस मराठी रिलीजियस पोएटिस, वो कवियत्री थी जो कि धार्मिक कविताएं करती थी, हु इज बिलीव टू बी बॉर्न in the mid 13th century and in Maharashtra as per the available legends she died in the year of 1350, next Sant Soirabai the 14th century witnessed a popular woman stand in Maharashtra and she was during a 14th century, next, yes sir, this I have explained, Chhatrapati Shivaji Maharaj February 19th 1627 till April 3rd 1680 as a principal influence rather a divine inspiration, he is certainly not human, he is God, Shivaji Maharaj is a prime God who took birth in a divine and pure
कल्चर इन हिस्ट्री. नो अदर रिलीजन हैज प्रोड्यूस सच ए इमकलेटिव पर्सनालिटी. वंस वन हैज येट टू सी ए मोनार्क हु इज डिस्पाइट बीइंग पावरफुल डिड नॉट यूज हिज पावर टू टॉर्मेंट, हु डिस्पाइट बीइंग ग्लोरिफाइड वाज नॉट एरोगेंट, हु कॉन्कर्ड वेरियस एनिमीज एंड हु डिस्पाइट बीइंग ए ह्यूमन फंक्शन एट ए गॉड. You can see the born in 19 February 1630, Shivnari Fort, Kusur, and expired, died 3rd April 1680, Rajgarh Fort. Next. You can see his picture here, photograph. Next. He is also known as father of Indian Navy. I told you he was having experts who were expert in the Navy. Shivaji was the first to realize the importance of having a naval force. So that is a very positive side. As I told you, because he was a great thinker, great philosopher, great manager. If we talk of management, he was a great management personality ever India has produced. Next. स्वराज्य की स्थापना में उनका, हिंदू स्वराज्य की स्थापना में उनका बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है ना. नेक्स्ट. हिज ओनली एम वॉज टू ओवरथ्रो मुगल रूल एंड एस्टेब्लिश मराठा एम्पायर. That was his main objective, main aim, main motto of the life. Next. Important thing about Maharaj Shivaji, he was a dependable supporter of women and their honor. अभी हम नारी शक्ति की बात करते हैं, स्त्री शक्ति की बात करते हैं, मातृ शक्ति की बात करते हैं, बच्चियों की शिक्षा की बात करते हैं. आप सोचो इतने पुराने काल में भी इनकी सोच, तब से उनकी सोच थी. ही वॉज ग्रेट सपोर्टर ऑफ वुमेन. ही अपोज ऑल काइंड ऑफ वायलेंस, हैरेसमेंट एंड डिसऑनर अगेंस्ट वुमेन. जिस सोच को हम आज बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, उस समय से छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच थी. तो छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज माउंटेन रेड एंड वॉज वाइडली नोन फॉर हिज गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स. He was a master in the guerrilla warfare tactics. He was called so because his awareness in geography of his land and guerrilla tactics like raiding, ambushing, and surprise attack on his enemies. अभी हम जो बात करते हैं surprise attack की, ambush की, वो उनकी सेना और वो उसमें उनके सैनिकों ने, उनके सेनापतियों ने महारत जिसको बोलते हैं हासिल की थी. और वो महारत उनकी जो फिटनेस का लेवल से हम अंदाज लगा सकते हैं, उनका जो साहस है जिसकी कि आज हमारे युवाओं को बहुत ज्यादा आवश्यकता है, देश भक्ति की, देश के प्रति प्रेरणा की, देश साहस की और शक्ति की भी. हम केवल साहस रखेंगे, अगर शक्ति नहीं रखेंगे तो भी शायद हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा. तो इसीलिए वो हमारे लिए बहुत, खासकर जो फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के हैं या एक जो देश का नागरिक की हैसियत से भी, छत्रपति महाराज जो हैं हमारे लिए एक आदर्श हैं. उनके विचार, उनकी फिलॉसफी, उनके तरीके, उनकी सेना, उन्होंने जो काम किए हैं, उनका इतिहास, उनका दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति स्पेशली और समाज के प्रति, समाज के सभी घटकों के प्रति उनका दृष्टिकोण अपन देखेंगे तो उनकी सेना में सभी धर्म और सभी जाति के लोग थे सम्मिलित थे. ऐसा नहीं कि केवल किसी एक विशेष जाति या प्रजाति के लोग उनकी सेना में थे. नेक्स्ट. सो यू कैन जस्ट हैव द ओवरव्यू रिगार्डिंग द महाराष्ट्र. यू कैन सी अगेन द स्टैच्यू ऑफ शिवाजी एंड इंपॉर्टेंट अनदर इंफॉर्मेशन दैट इज अंबेडकर जयंती. Then we have Vidarbha region. If we talk of Vidarbha region, we have central, it was known as CP and Berar. Previously, this Vidarbha was known as CP and Berar. There are many temples in Maharashtra.
अगर हम टेंपल की बात करें तो अगर द टेंपल ऑफ विट्ठल एट पंडरपुर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंपल फॉर द वारकरी सेंट। आई हैव टोल्ड यू कि सभी लाखों भाविक जो है वहां पर हर वर्ष जो है वो यात्रा करते हैं। देन अनदर इम्पॉर्टेंट अनदर रिलीजियस प्लेस इज अष्ट विनायक। आठ मंदिर हैं लॉर्ड गणेशा के, है ना, और भीमाशंकर विच इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक जो भीमाशंकर है वो जो है वो पूना के पास जगह है। और भी ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र के अंदर अगर हम उनकी बात करें। हाँ नेक्स्ट, अगर हम औरंगाबाद रीजन की बात करें तो नियर औरंगाबाद आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इम्पॉर्टेंट है। वहां पर अगर हम बात करें तो बीबी का मकबरा लोकेटेड औरंगाबाद। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, हैज ह्यूमिड एटमॉस्फियर, गेटवे ऑफ इंडिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, देन शनिवार वाड़ा, आगा खान पैलेस, दीज आर द हिस्टोरिकल प्लेस विच आर इम्पोर्टेंट। देर आर नंबर ऑफ फोर्ट्स, इम्पोर्टेंट फोर्ट्स महाराजा, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो शिवनेरी, रायगढ़, विजयदुर्ग, प्रतापगढ़, सिंहगढ़, देर आर इम्पोर्टेंट फोर्ट्स, और भी बहुत सारे हैं। द मेजॉरिटी ऑफ फोर्ट्स इन महाराष्ट्र फाउंड अलॉन्ग द कोस्टल रीजन ऑफ कोकण, ज्यादातर वहां पर है एडजॉइनिंग टू सह्याद्री रेंज। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि रिलीजन, कास्ट, मराठी, हिंदूज, रिवर, मेनी रिलीजन फिगर अमंग द फिगर्स हु ओरिजिनेटेड इन द रीजन, है ना, बंका महार भागु, इनकी इनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। ट्रेडिशनली इफ यू टॉक ऑफ डिफरेंट कास्ट यू कैन जस्ट सी द लिस्ट हियर। नेक्स्ट, क्लोथिंग यू कैन जस्ट सी द अटायर, महाराष्ट्रियन वुमेन किस टाइप की ड्रेस पहनती हैं, इन हिंदी और इन मराठी वी कॉल इट, इट इज कॉल्ड एज लुगड़ा, साड़ी जो है वो नवारी साड़ी, दैट इज नवारी साड़ी, दैट इज द ट्रेडिशनल ड्रेस। एंड जो मेल है उनके लिए जो ट्रेडिशनल है वो दैट इज कॉल्ड एज, जो सिर पे लगाते हैं वो फेटा, है ना। नेक्स्ट, वड़ा पाव इज द मोस्ट पॉपुलर स्नैक्स ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैडम, नेक्स्ट लीजिए। गुड़ी पाड़वा इज द मोस्ट पॉपुलर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। गुड़ी पाड़वा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एज आई टोल्ड यू, एंड इट इज द फर्स्ट डे ऑफ द हिंदू ईयर। यू कैन जस्ट सी द गुड़ी हियर इन द फोटोग्राफ। Then we celebrate Kojagiri Purnima, Maharashtra Day, Nag Panchami, Narali Purnima, Pola, Pola Hindi mein, Marathi mein Pola, and Shiv Jayanti and Vat Purnima. These are the important festivals of Maharashtra. Next, if we talk of sports, I have taken the name of a great Olympian, Ghasawal Jadhav, who brought the first medal in wrestling as far as India is getting the medal and Indian is getting the medal in Olympic. Agar hum sports culture ki baat karte to kabaddi gets the first place in rural area. Kabaddi becomes the most popular, followed by hockey, kho kho, badminton, table tennis. The wrestling championship like Hind Kesari and Maharashtra Kesari are very popular in the rural region of Maharashtra. So wrestling an important aspect towards Kolhapur side. Then cricket craze can be seen throughout Maharashtra. That we know Maharashtra has produced the giant in cricket. Agar hum purane cricketer ki baat karein, so we can take the name of Dilip Sardesai, who scored double century against West Indies. We can take the name of a great wicket keeper of India, Farooq Engineer.
N, then followed by Sunil Gavaskar and the god of cricket, Sachin Tendulkar. Children play Gilli Danda, Pakda Pakdi. These are our traditional games. Horse riding, wrestling, fencing, archery and shooting, they have also become popular. The girls of Maharashtra, they are doing quite good, especially in shooting now. We can take the name of Deepali Deshpande, who has represented India in Olympic Games. So, Kabaddi becomes the most popular game if we talk of rural area, and cricket becomes most popular if we talk of rural and urban area. Next. So, if we talk of performing art, Lavani, Povda and Tamasha, these are the main, you must have seen, if you see the Marathi movie, you will definitely see Lavani there. Bhajan becomes another, Kirtan. Kirtan bhi kaafi hota hai Maharashtra mein, alag-alag jo hai, tarike se. You can just see the dress of Lavani and traditional dance of Maharashtra. Next. Koli and Povda, the folk music, Lavani, Banjara Holi and Lavani dance. And a Lavani dance of is very, very popular. Next. You can just see the theater aspect. And a Sangeet Natak, music drama, Tamasha, folk dance are the most popular as far as Maharashtra is concerned. Next. Yes, thank you. So that's all about, I think I have introduced Maharashtra to the persons of Gujarat and Saurashtra and all over India, because you have got a number of people from different states attending this webinar. So what we have learned, if we talk of Ek Bharat Shrestha Bharat, we can just think of exchanging our culture, we can just think of exchanging the positive things, we can think of pairing means we can, whatever we have best, we can give it to you, we can exchange. When we talk of exchanging the things, we will become more powerful. And with the last line, before I thank your honorable vice chancellor, Professor Rana, that I will tell you about myself. When we talk of defense, especially when we talk of defense forces, so we were three friends. We are very close. K.M. Raju, Professor Arvind Singh Tajman, who is presently officiating Rajasthan, and myself. So Raju has got his daughter in Indian Navy, and I have got my daughter in Indian Army. She is Lieutenant Colonel. My son-in-law is also Lieutenant Colonel. So we have got a person from my side in Army also, and Air Force also. My second son-in-law is in Air Force, is a squadron leader, presently specialized in helicopter. And Raju's daughter is in Indian Navy. So we are fulfilling that requirement also. If we say it is an output of physical education. So what I think, we all from physical education, this is my opinion, maybe personal, we prepare for BPED, we give 2 years, then we prepared for MPED, 2 more years, then NET, JRF, then PhD, and then we go for assistant professor. Those who are really good in sport, those who are fit, and those who think that they can clear the defense personnel exam, that is combined defense services, they can just directly prepare after BPED. When they are in first year, if they prepare, I will definitely guarantee they can definitely pass CDS exam during their final year or just completion of final year, and they can definitely go for the defense services in India. And that is one of the very important, I can say, the area where they can serve for the country. So this is my personal opinion. This is just a opinion for those who are joining the webinar and they are just doing BPED and MPED. So thank you once again, everyone, for inviting me and sharing whatever I have regarding Maharashtra for this Ek Bharat Shrestha Bharat program. So thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. It was really insightful that entire India
pan India sports, physical education, their various saints. So in Indian culture, with the integration of sports and physical education, that would be a proper wording which I can use it for this insightful and enrich of knowledge session. Now I request Honorable Vice Chancellor Sir Dr. Arjun Singh Anna Sir that for this occasion I request you to please grace it with your words. Ek nayi urja, urjavan vyaktiyon ke liye aapse anurodh hai sir. Namaskar, pranam, vandanam. आज के वेबिनार में उपस्थित परम आदरणीय मेरे गुरुजी डॉक्टर परम आदरणीय डॉक्टर करवंदे सर, सबसे पहले सर हम स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मेरी पूरी टीम, एडमिन टीम और टीचिंग टीम की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे फैकल्टीज को, हम सभी को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को, हमारे सभी स्टूडेंट्स को आपने प्रोत्साहित किया, क्योंकि सनातन भारत के बारे में महाराष्ट्र को माध्यम बनाते हुए आपने पूरे भारतवर्ष के लिए शिवाजी महाराज की क्या भूमिका थी, अपने धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, संतों के बारे में, खेलकूद का क्या माध्यम रहा, प्राचीन से लेके अर्वाचीन तक शारीरिक शिक्षा का क्या रोल रहा, और इसके माध्यम के द्वारा एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का जो संकल्प हमारे परम सदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है उसको साकार करने में आपने आज अपना कीमती वक्त निकाल के हम सबको ज्ञान दिया, प्रोत्साहित किया, इसलिए मैं स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मेरी पूरी टीम की ओर से आपको नतमस्तक वंदन करता हूं सर। धन्यवाद, धन्यवाद। क्रीड़ा भारती के कई कार्यक्रम हमने किए, क्रीड़ा भारती गुजरात के अंदर भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारा कॉन्वोकेशन अगले महीने होने जा रहा है, जिसका निमंत्रण सर आपको जरूर मिलेगा, आपको उपस्थित रहना है सर और हमें मार्गदर्शित भी करना है, क्योंकि कॉन्वोकेशन के दिन ही हम लोग एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मात्र 10 से 12 सिलेक्टेड पेपर्स, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद का क्या महत्व और हमारी स्पोर्ट्स की इकोसिस्टम क्या है और हमारी प्राचीन परंपरा, द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड व्हाट विल बी द रोल, नेक्स्ट रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर टू बिल्ड ए न्यू इंडिया, एक अखंड भारत का निर्माण हमें कैसे करना है, क्योंकि हम सभी का दायरा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का है, उसी दायरे में रह के हम लोग कैसे हमारे राष्ट्र को एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र कैसे बना सके, क्योंकि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से लोग अलग अलग धर्म जाति ज्ञाति के हमारे साथ जुड़े रहते हैं, मगर हम सभी का माध्यम है शारीरिक शिक्षा और खेलकूद, तो इसी माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए आज की इस श्रृंखला में नेशनल इंटीग्रेशन की सभी को एक मिसाल पेश करने के लिए हमने एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का इस वेबिनार का आयोजन किया था, और हमें सब ने ये निश्चय किया था कि जब भी हमें करवंदे साहब अपना कीमती समय निकालेंगे उसी दिन ये वेबिनार किया जाएगा। जो प्रोग्राम दो दिन पहले हमने फाइनल किया था, मगर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमें तो सर को सुनना है और करवंदे गुरुजी को सुन के हमारे बच्चों को भी हमने एक मैसेज दिया है कि नेट जेआरएफ गुरुकुल के अंदर हम लोग एक स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक एमओयू साइन करें, ताकि आपकी संगीता मैडम, आपकी पूरी टीम की हमें एक मार्गदर्शन मिले, हमारे बच्चों को एक मार्गदर्शन मिले कैसे फिजिकल एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ना है, तो एक एमओयू के माध्यम के द्वारा एक हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसको मैं आज आपको एक वचन देता हूं कि जब भी आप पधारेंगे हमारे कॉन्वोकेशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिन अगले महीने, उसी दिन ये एमओयू स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की इसी ऑफिस के अंदर आपके कर कमलों के द्वारा और हम लोग साथ में रह के एमओयू साइन करेंगे, ताकि हम गुजरात के और पूरे भारत से यहाँ जितने बच्चे पढ़ने के लिए फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में आते हैं उनको भी हम नेट जेआरएफ गुरुकुल के माध्यम से
ने उनकी प्रिपरेशन कैसे करे, प्रोफेशनल प्रिपरेशन कैसे करे, खुद को कैसे आत्मनिर्भर बनाए, खुद को कैसे मजबूत और बुलंद बनाए, ताकि हम सबको मजबूत बना के हमारे पूरे देश को मजबूत बना सके, यही भावना के साथ हम MOU जरूर सर साइन करेंगे। हमें आपका मार्गदर्शन हमेशा चाहिए, ये तो एक शुभ शुरुआत है और आगे हमें बहुत आपके साथ काम करना है सर, और आपके मार्गदर्शन में ही हमें हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को तैयार करना है। तो हमें आपका कीमती वक्त आगे आने वाले महीनों में जरूर चाहिए सर। दूसरी चीज कि HVPM तो मेरा घर है, महाराष्ट्र मेरा, दैट इज माय सेकंड होम, मेरा बेस जो है वो अमरावती है, आपके अंडर ही हम लोग बड़े हुए, पड़े पले हैं, और हमने आप लोगों को इतने जोर शोर से कार्य करते हुए जवानी में भी देखा, जब हम छोटे थे स्टूडेंट्स थे तभी हमने आपको वर्क करते हुए देखा है सर, और आज हम गौरवशाली है कि आज हम आपके साथ बैठ के बात भी कर सकते हैं। जब हम स्टूडेंट्स थे तभी एक झिझक होती थी कि सर से कैसे मिला जाए, कैसे बात की जाए, मगर आज आपने हमें अपने साथ बिठा के इतना प्रोत्साहित किया, मार्गदर्शित किया, इसके लिए हम आभारी और आपके सर ऋणी है। मेरी पूरी फैकल्टी की टीम, टीचिंग टीम, जो आप लोगों को यहाँ पे रूबरू मिलने का बेसब्री से इंतजार किए, प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा, प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा, डॉक्टर कुणाल देसाई, डॉक्टर यजुवेंद्र सिंह जेठवा, डॉक्टर रविंद्र सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर अंकुर सिंह सैनी, हमारी एडमिन टीम, डॉक्टर निसर पाठक जी, डॉक्टर कमल मोट जी, डॉक्टर मनीष रावल जी, हमारे रजिस्ट्रार जो कि GS अधिकारी है और आने वाले सालों में IAS बनने वाले हैं, डॉक्टर अमरीश देसाई जी, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, युवा स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री हर्ष संघवी जी, आज सुबह ही मेरी बात उनसे हुई, उन्होंने बोला कि करवंदे साहब आ रहे हैं तो हमारा उनको जरूर नमस्कार बोलना, गुजरात सरकार और हमारे युवक सेवा सांस्कृतिक खेल को विभाग की ओर से सर हम आपको आभार व्यक्त करते हैं, और आपको जल्दी से जल्दी गुजरात बुलाने के लिए हम लोग गदगदित है और आपके स्वागत के लिए हम लोग तैयार है सर। आने वाले समय के अंदर हम सब लोग एक साथ मिलके कैसे इस गुजरात राज्य और महाराष्ट्र, हम गढ़चिरौली में भी आपके साथ काम करना चाहते हैं सर, क्योंकि मेरी बात वहां भी कुछ अधिकारियों के साथ भी हुई है, प्रसाद मानकर जी के साथ भी मेरी बात हुई है, तो हम लोग क्रीड़ा भारती के माध्यम से क्यों ना एक प्लेटफॉर्म पे आके स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को और बच्चों को एक स्वर्णिम सुनहरे इतिहास लिखने के लिए हम लोग मदद रूप होए और हम लोग उनको मार्गदर्शित करे आप लोगों के माध्यम के द्वारा। तो मेरी वाणी को विराम देते हुए आपको संगीता मैडम, आपको नेट JRF गुरुकुल की पूरी टीम को और मेरे परम श्रद्धे गुरुदेव करवंदे साहब को नमस्कार करते हुए एडवांस में हैप्पी दिवाली। यस सर, आप सबको भी नया साल मुबारक हो, उसी के साथ मेरी वाणी को विराम देते हुए जय जय गरवी गुजरात, जय जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्रणाम सर, थैंक यू। एक नई ऊर्जा का सिंचन हर हमेश सर को सुन के मिलता है। कार्यक्रम के आगे के दौर के लिए डॉक्टर यजुवेंद्र सिंह एल जेठवा, हमारी टीम के मोस्ट एक्टिव पर्सन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सर वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रपोज वर्ड ऑफ थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड एंटायर टीम। जेठवा सर। थैंक यू पाठक सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द प्रोफाउंड सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, I am thankful to Professor Dr. Anil Karvande sir to bless all of us with his wonderful address on this occasion of webinar, national webinar. I am also thankful to our Honorable Vice Chancellor who always motivate and guide us in any task of this university. I am expressing my sincere gratitude and thanks to all the department head and principals of affiliated colleges that their active participation and students' participations makes this webinar a success. At the last, I am expressing my gratitude to all the individuals without whose help this program won't be success. Thank you. Thank you very much all. Thank you everyone and wish you a happy Diwali once again. Happy Diwali to everyone. Yes. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you.